बड़ा जबरदस्त किस्म के टाइटल है और बड़ा एक तरह से इसकी सिग्निफिकेंस भी है इस नॉवल में जो कि विजय तेंडुलकर ने यूज किया टेंडुलकर वॉज बॉर्न इन ट्वेंटी मुंबई और वो एक लीडिंग इंडियन प्लेयर राइट था Art, uh, इसने टेलीजन के लिए भी लिखा लिटरेरी एस एस भी लिखे ही जर्नलिस्ट और एक सोशल uh, कमेंटर भी था जो कि प्राइमरीली जिसकी लैंग्वेज मराठी थी तो उस उस लैंग्वेज में लिखता था और uh, इसका जो ये वर्क है वो मराठी में भी पब्लिश हुआ शांता कोट चालू है इस नाम से इसको पब्लिश किया गया और बाद में इसको इस पे ट्रांसलेट किया गया इस हवाले से यानी जो इंग्लिश uh, लैंग्वेज के अंदर ये जो प्ले है इसमें आ, दिखाया गया सोसाइटी को कि सोसाइटी के अंदर खातन का क्या रोल है और खुवात को किस तरह ट्रीट किया जाता है ये जो 1963 का रिटर्न प्ले जो कि 67 में जाकर परफॉर्म हुआ उसमें विजय तेंदुलकर के हवाले से जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं जो उसने देखे उनको भी उसने इसका एक हिस्सा बनाया यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दिखाई गई और इसमें जो कोर्ट सिस्टम है उसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म नजर आता है अब इसके थीम्स में पावर ऑफ द पेट्रियॉर्टी की जो मेल कम्युनिटी है उनकी जो पावर है कि किस तरह वो हुक्म सुनाते हैं किस तरह चीजों के ऊपर वो अपना एटीट्यूड दिखाते हैं खुवात को किस तरह सब करते हैं जस्टिस सिस्टम की फेलियर इसमें दिखाई गई कि जस्टिस जो है वो किस तरह फेल्ड है किस तरह वो खुतन को बोलने का हक नहीं देता किस तरह वन साइडेड हो जाता है और सीमिंग एंड बीइंग की चीज़ें हैं क्या और लगती क्या हैं इनका एक डिफरेंस दिखाया गया फिर एक आ, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के इंडिया जो इंडिपेंडेंस के बाद यानी फर्स्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर किस तरह की सिचुएशन है आ, किस तरह का एक डिस्क्रिमिनेशन मौजूद है मिडिल क्लास की फेलिंग दिखाई गई कि मिडिल क्लास किन किन प्रॉब्लम्स में से गुजर रही है डिपोक्रेसी के लोग जो हैं वो जैसा दाम ले यहाँ पे परफॉर्म भी कर रहा है लेकिन उसकी वजह से ही लीला प्रेग्नेंट है तो ये एक एटीट्यूड है का रोल दिखाया गया कि कितना एक इंफीरियर है और गिल्ट एंड इनोसेंस वो दिखाई गई इसमें कि लीला जो है उसके पास ये गिल्ट भी शामिल है लेकिन स्टिल शी इज एन इनोसेंट लेडी वो उस चीज के यानी बगैर शादी के प्रेग्नेंट होने के बावजूद अपने बच्चे को पालने पर तैयार है और उसके साथ यानी एक उसको परवान चढ़ाने के लिए अपनी उसकी पूरा एक ख्वाहिश है उसका एम है कि वो उसे जिंदगी दे सो so, टेंडेलकर ने यहाँ पे जो टाइटल दिया साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन सो यहाँ पे इस तरह इस कोर्ट की बात करें जो यहाँ पे दिखाई गई तो यहाँ पे ना साइलेंस है ना डिसिप्लिन है और जिसका वाइफ है मिसेस काशीकर जो कि जज की वाइफ है वो कोर्ट को इस पूरे टाइम के अंदर डिस्टरप्ट करती रहती है डिस्टर्ब करती रहती है तो जो साइलेंस है वर्ड ये बड़ा इम्पैक्टफुल हो जाता है सो तो ये साइलेंस जो है वो एक मॉडर्न सोसाइटी पे भी एक सटायर है क्योंकि मॉडर्न प्ले है तो ये मॉडर्न सोसाइटी के ऊपर एक तरह से सटायर है सो तो यहाँ पे एक फेमस क्रिटिक ने कहा कि इट इज द इम्प्रोज साइलेंस ऑन बनारे That gives the title its uniqueness and tells about the mockery in the title. So here, the title can be justified as a satirical attack on the people of the modern society. So this play's title is very significant. So it indicates absolute authority of the judge in the court, where the judge pronounce, uh, pronounces such words to bring back manners or discipline of the people. So, इस प्ले के अंदर हमें पता लगता है कि जो बेनारे है वो किस तरह उस अपने मेल काउंटर पार्ट के सेटिज्म की विक्टिम बनती है ऑडियंस को एक तरह से लाइक मेड टू विटनेस लाइक इज रिहर्स ऑफ ऑफ मॉक ट्रायल टू बी स्टेज लेटर इन द प्ले जो कि अभी होना है लेकिन इसमें एक जो हार्मलेस गेम ये प्ले की जा रही है वो बड़ी ग्रिम हो जाती है सीरियस हो जाती है बनेर जब इसमें जो कि एक प्रोटैगनिस्ट है वो उसे एक मुजरिम बनाते हैं मॉक ट्रायल के अंदर कि तुम हमारे पास यहाँ पे भी मुजरिम मौजूद नहीं है तो तुम एक तरह से मुजरिम बन जाओ तो चूंकि बाकी सिस्टम तो वही होता है जिस तरह उन्होंने वो लेके प को चल रहे होते हैं तो वो उसके ऊपर एक तरह से पूरा केस चलाते हैं जो कि एक मॉक केस चल रहा होता है सो उसमें उसको ऑर्डर किया जाता है कि वो साइलेंट रहे क्योंकि कोर्ट चल रही है कोर्ट अपना काम कर रही है तो so, वो चुप करती है लेकिन जब वो लॉ के नाम पे अपना यानी अपनी सफाई देने की कोशिश करती है तो उसे फिर ऑर्डर किया जाता है चुप रहने का वो डिस्पेयर में जाती है वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश करती है और इसमें लाइक उसको कंटेम्प्ट जाता है जिसमें जब वो उनको उनकी बातों को काट के इंटरप्ट करके अपनी दलील देना चाहती है अपने दलाइल पेश करना चाहती है सो so, यहाँ पे बड़ी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस बन जाती है साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन की सो so, साइलेंस जो है वो उस पेट्र पेट्रियार्क, पेट्रकल कॉन्स्परेसी को यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है जो कि एक खातून की आवाज को जस्टिस के नाम पे आइडियालॉजी के नाम पे साइलेंस करना चाह रहे हैं सो so, जो टाइटल है उस लिहाज से बड़ा अप्रोप्रिएट है कैरेक्टर्स में देखे तुम्हारे पास लीला बैनरे है जो कि बड़ी अनकन्वेंशनल स्कूल टीचर है और शी इज नॉट शाय अबाउट एक्सप्रेसिंग हर ओपिनियंस एंड लाइफ जिस तरह के बाकी लोग करते हैं शी इज डिफरेंट तो वो एक तरह से वो उसे कोई शर्म नहीं है इस बारे में वो अपने व्यूज को बताए लोगों को बड़ी आउटस्पोकन है लोग जो है उसको बड़ा डिफरेंटली देखते हैं और इस वजह से उसके साथ उसका उन लोगों का कोई ताल्लुक या कोई बर्ताव भी अच्छा नहीं है So, एक अर्ली थर्टीज में खातून जो सिंगल हो और एक बच्चे को जन्म दे रही हो तो उसके हवाले से लोगों का जो ट्रीटमेंट है वो बड़ा खराब होता है तो उसको इस मॉक ट्रायल में वो एक मुजरिम बनाते हैं और उसके साथ जो कि आउट स्पोकन है और वो बड़ा बढ़ चढ़ के जवाब दे सकती है तो वो कोर्ट के नाम पे उस ट्रायल के नाम पे उसको साइलेंस करते हैं उसकी जुबान को उसकी आवाज को उससे डराते हैं धमकाते हैं और उसके ऊपर केस चलाते हैं यहाँ पे जो मेल सोसाइटी है वो अपना तमाम तर गुस्सा या गुबार निकालती है उसके इस प्रेगनेंसी के ऊपर सेट करने में वो एक है और पूरे प्ले में सबसे ज्यादा काइंड वही है उसको एक विटनेस का रोल दिया जाता है जो कि बनारे के इस इमोरल बिहेवियर के बारे में बात करेगा तो वो इसको ये काम आसान लगता है सो ही फेब्रिकेट स्टोरी और उस स्टोरी में वो एक तरह से इसको कि दामले का बच्चा है जिसके साथ ये प्रेग्नेंट है और इनफैक्ट रियलिटी में भी यही होता है कि वो बच्चा दामले का ही होता है तो सिचुएशन ऑलमोस्ट वैसी चल रही होती है जिस तरह रियलिटी में है तभी उसका शॉक अः पैनारे के ऊपर ज्यादा होता है बालू रॉड के जो कि काशिकर्स का एक तरह से एडोप्टेड सन है और वो बड़ा सर्वाइल है उनके हवाले से सो ही इज अ नर्वस मैन और उसको अर्ज किया जाता है कि वो खड़ा हो और टेस्टिफाई करे कि के, के दामले और बनारे को अकेले देखा जहां पे ये प्रेगनेंसी जिसकी रिजल्ट में सामने आई और सेकेंडली ये कि बनारे ने उसको किया सो वो उसमें बड़ा कॉन्फिडेंट हो जाता है और वो फिर फेब्रिकेट करता है स्टोरीज इस कोर्ट रूम में और वो बताता है लोगों को मिस्टर काशिकर ये सुखात्मे की तरह एसोसिएशन uh, के अंदर एक और पावरफुल प्लेयर है और ये सोशल uh, वर्कर है बड़ा प्राउड uh, है बड़ा कॉन्फिडेंट है और uh, वो इस केस को एज जज देख रहा है तो इसमें वो बहुत ज्यादा हार्श uh, होता है बहुत ज्यादा अपनी सीट को लेके कमांडिंग uh, होता है बड़ा स्टर्न होता है अपनी पावर का प्रॉपर यूज करता है और बहुत ज्यादा क्रूअल और डिस्पारेजिंग कमेंट्स देता है बेनारे के हवाले से या उन तमाम तर खुवा के हवाले से जो कि इस बोट में सेल कर रही लाइक लाइक सेलिंग द सेम बोट जस्ट तो वो प्रॉपर एक जालिम जज होने का वो एक सबूत दे रहे हैं प्रोफेसर दामले ये बी सी कम्यूनिटी का एक मेम्बर है ये बनारे का लवर है लेकिन वो स्टेज पे नहीं आता इस शो में सो उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है उसके पांच बच्चे भी हैं उसके पास एक यूनिवर्सिटी जॉब है और वो एक सोसाइटी के अंदर एक अपस्टैंडिंग मेंबर है सो उसमें लाइक फील्स टू जज हिम फॉर गेटिंग प्रेग्नेंट, तो उसके बारे में कोई नहीं शक करता कि ये हो सकता है जिसने बनैरे को प्रेगनेंट किया हो सो so, रावते एक और मेंबर है उस ग्रुप का जो कि इस पे नहीं आया लेकिन उसका नाम इस प्ले में कई दफा लिया जाता है तो so, स्टोरी शुरू होती है जब लीला बनेरे एक मीटिंग हॉल में आती है और ये एक स्मॉल इंडियन विलेज है जहाँ पे कुछ कॉलिग्स जो हैं वो एक लिविंग कोर्ट रूम को परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ के लोकल विलेजर्स के लिए सो so, बने यानी लीला बनेरे वहाँ पे जल्दी आ जाती है और वहाँ पे एक विलेजर सामंत जो कि बाद में प्ले के अंदर भी एक रोल परफॉर्म करता है ये चूंकि इसका काम है लोगों की हेल्प करना इस प्ले के हवाले से मीटिंग हॉल को अनलॉक करना तो वो बिल्डिंग को अनलॉक करता है और ये लोग ये दोनों आपस में गुफ्तगु करते हैं बनैरे और सामंत जब तक के बाकी लोग नहीं पहुंचते सो so, बनैरे जो है उसको एक तरह से ऑस्ट्रिसाइज किया गया है लोग उसके अगेंस्ट हैं क्योंकि वो आउट है तो उसके खिलाफ बोल नहीं सकते कि बेसिकली शी इज अनमेरिड और न्यूली प्रेगनेंट तो ये उस ये चीज जो है वो बनैरे को इतना पेन नहीं देती लेकिन सोसाइटी इस हवाले से बड़ी मशकूक है उन्हें बड़ा गुस्सा है बनैरे के ऊपर लेकिन वो उसके सामने बोलते नहीं हैं, लेकिन यह है कि उसे आ, जो उसके खिलाफ किया जा सकता था वो किया गया उसे जॉब से निकाल दिया गया एज ए स्कूल टीचर उसे अपनी जॉब से बड़ी मोहब्बत थी उसके बॉस को यह था कि उसकी जो प्रेगनेंसी है ये मोरलिटी का साइन है और बच्चे इससे बुरा असर सीखेंगे सो इसमें सुखात में रोड के पहुंच के खानक मिस्टर काशिकर और मिसेस काशिकर ये वो लोग हैं जो मीटिंग हॉल में आते हैं और दो मेंबर्स हैं जो इस ट्रूप के यानी प्रोफेसर दामले और रावते जो कि इस परफॉर्मेंस में नहीं पहुंच पाते इनका नाम प्ले में आता है सो इसमें यह कि हर बंदा जो कि बड़े अरसे से तैयारी कर रहे हैं रिहर्सल कर रहे हैं तो हर एक की कोशिश होती है कि हम अथॉरिटी को एजर्ट करें और इसमें यानी अपनी जो तो पावर है वो दिखाएं लोगों को अपनी एक तरह से एक हैसियत शो करें तो बेसिकली इन्होंने एक प्ले परफॉर्म करना है जो कि आज शाम को होना है और लेकिन ये है कि ये पहले पहुंच जाते हैं तो अभी इनके पास टाइम है कि ये उसमें कुछ रिहर्सल कर सकें या कुछ मॉक ट्रायल कर सकें चूंकि इनके पास शाम तक का टाइम है और परफॉर्मेंस शाम को होनी है तो ये चाहते हैं कि हम एक ट्रायल इम्प्रोवाइज कर लेते हैं बजाय इसके कि हम वेट करें शाम का ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए और एक तरह से हम इसको परफॉर्म करने के काबिल भी हो जाए हम एक मॉक ट्रायल करते हैं खैर रोल्स जो हैं वो सेम ही रहेंगे जिस तरह उन्होंने डिसाइड किए हुए थे लॉयर होगा काशीकर जज होगा और आ, लेकिन अभी हमें ये है कि जो एक कल्परेट चाहिए मुजरिम चाहिए सो बनारे अभी रूम से है जब ये डिस्कशन हो रही होती है और बगैर उसकी कंसेंट और इनपुट के उसे ये नॉमिनेट कर देते हैं कि ये मुजरिम होगा या मुलजिम होगा जिस जिसपे कार्रवाई चलेगी खेरपोखी और कारनिकाइकली नो के जो बेन, जो बनेर है उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ गलत है जो शायद उसकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड है और uh, तो वो ये सजेस्ट करता है कि उसे इस फ़ाइल में शीबी चार्ज विद इनफेंटिस इस पे ये वाला एक मुकदमा चलाया जाए खैर बनहरे जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती क्योंकि उसके लिए कोई ये यानी इतनी बड़ी बात नहीं है वो समझ समझिए कि ये एक मॉक रिहर्सल हो रही है तो चलो मैं इनका आ, साथ दे देती हूँ तो वो तैयार हो जाती है खैर ये है कि शुरू में बड़ी मिशीवियस होती है बड़ा हंसी मजाक कर रही होती है लेकिन जो बाकी लोग हैं उसको डांटते हैं कि ये फॉर्मस को तुम सीरियस रहने दो और खुद इस चीज को फील करो कि तुम एक मुजरिम हो और हमें अपना कोलीग या एक यहाँ पे परफॉर्मर ना समझो बल्कि हमें भी रियल रियल लाइफ पर्सन समझो कि कंसिडर इट सिचुएशन इन विच यू आर खैर अब ट्रायल जो है ट्रायल वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा सीरियस होता जाता है और वो उसमें उसकी पर्सनल लाइफ को कन्वर्ज करना शुरू कर देता है और वो अपसेट हो जाती है बनारे के जो कलेबोरेटर्स हैं वो उसको साथ साथ बताते हैं ये गेम है लेकिन ये है कि वो साथ साथ बहुत सारे लोग जो वहाँ पे मौजूद हैं वो आज तरह से साइलेंटली विस्परिंग भी कर रहे होते हैं और बनारे के लाइफ स्टाइल को जज भी कर रहे होते हैं कि शी इज़ अनमेरिड एंड आउट स्पोकन और ये एक ट्रायल एक तरह से उनको एक ऑपरचुनिटी मिल जाता है इस सूरत में कि उसे क्रिटिसाइज कर सकें वो जो एक प्रोग्रेसिव इंडियन पॉलिटिक्स है उसके ऊपर भी एक क्रिटिसिज्म कर सके तो उनको एक मौका मिल जाता है जज होने की आड़ में वकील होने की आड़ में ताकि वो इसको क्रिटिसाइज करें इसके ऊपर जो इन्हें गुस्सा है वो निकालें जो उसने बगैर शादी के जो रिलेशन रखा उसके ऊपर बात करें और ये रिलेशन जो है वो इसके अंदर दिखाया जाता है और वो जिस कैरेक्टर के साथ दिखाया जाता है वो दामले होता है प्रोफेसर दामले और इनफेक्ट भी रियलिटी में भी ये है कि जो लीला बनेरे है उसका रिलेशनशिप एक रिलेशन प्रोफेसर दामले के साथ होता है जिसके बच्चे से ये प्रेग्नेंट है ट्रायल कंक्लूड होता है जब सुखात में वो एक केस बनाता है बनेरे के अगेंस्ट और उसमें उसका मुद्दा यह है कि इसने सोसाइटी को करप्ट किया और मदरहुड के इंस्टीट्यूशन को भी करप्ट किया सुकाशिकर जो है वो बनारे को दस सेकेंड देता है अपनी सफाई में बोलने के लिए दस सेकेंड कोई टाइम नहीं है जिसमें कोई बंदा अपनी आ, बारे में बोल सके अपनी सफाई दे सके तो ये दिखाया गया कि किस हद तक एक जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसने एक मैसेजनिस्टिक एटीट्यूड अपनाया हुआ है यहाँ पे टाइम फ्रीज होता है और बनारे एक स्पीच देती है जिसमें वो विश करती है कि काश उसके पास टाइम या हिम्मत होती हौसला होता वो बता सकती सर्च ऑफ लव लव के बारे में टीचिंग करियर के बारे में जो उसकी मोहब्बत और अपने बच्चे को जन्म दे के उससे परवान चढ़ाने की कमिटमेंट के बारे में सो यहाँ टाइम जो है दोबारा से अनफ्रीज होता है और काशिकर जो है वो बनारे की पनिशमेंट बताता है और ये एक ऑर्डर है कोर्ट का जो दिया गया नामा कि वो अबॉर्शन करा लेगी यानी अपने बच्चे को जाया कर देगी सो so, इस चीज़ पे वो डाइवेस्टेट होती है और जमीन पे गिर जाती है एज एफ रियल कोर्ट ने उसको ये ऑर्डर दिया और ये अचानक इस तरह होता है कि तमाम तर जो लोग हैं वो वापस आ जाते हैं अपने अपने रोल से निकल के उन्हें अब लगता है कि वो बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर गए थे इन रोल्स के अंदर वो कोई जज या वकील नहीं है ना ये वो वाली मुजरिम है जिसका ये केस सुना रहे हैं वो इस पर कोई खास तवज्जो नहीं देते वो देखते हैं कि वो लाइफ लेस फ्लोर पर पड़ी हुई है और वो उसको रिमाइंड कराने की कोशिश करते हैं कि ये सिर्फ गेम थी तो तुम हौसला रखो लेकिन ये होता है कि उनकी परफॉर्मेंस है तो वो लेट हो रहे होते हैं तो वो उसको वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं अपनी तैयारी करने और ये एक दिखाया गया इसमें कि वो जो ख़ातून है वो किस तरह के मसायब से गुजर रही है किस तरह उसकी सिचुएशन को मेनिपुलेट किया गया किस तरह उसको एक तरह से इन लोगों ने कैश किया ताकि उसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर सकें यानी जिसमें हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिकली लीला बनारे और जनरली तमाम तर खुवा जो इस तरह के प्रॉब्लम उसमें से गुजर हैं जो मेल सोसाइटी का उनकी तरफ रुझान या एक बर्ताव होता है उनकी तरफ जो बिहेवियर होता है वो इस प्ले में हमें दिखाया गया कि किस तरह वो एक टर्न ले लेता है नेगेटिव साइड पे जस्टिस का सिस्टम भी दिखाया गया उसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म है सो जो थीम्स हमने डिस्कस किए वो ऑलरेडी इस पे पूरा उतरते हैं तो बहुत ही खूबसूरत प्ले है जिसमें उस जमाने में और उससे पहले भी और उसके बाद आने वाले वक्तों में भी चूंकि लिटरेचर यूनिवर्सल होता है तो ये सारी चीजें डीपली अप्लाई होती हैं इस तरह की सिचुएशंस में सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा